ब्रजधाम यात्रा में आज हम आपको दर्शन कराएंगे मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के। यह मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद मथुरा का दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर है। वैसे तो यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है, परंतु इस स्थान का संबंध द्वापर काल से ही बताया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका नगरी गए थे, तब इसी स्थान से उन्होंने द्वारका के लिए प्रस्थान किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश मंदिर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1814 में सेठ गोकुलदास पारेख ने करवाया था, जो ग्वालियर रियासत के खजांची थे। यह मंदिर यमुना नदी किनारे विश्राम घाट के पास स्थित है, जो कि मथुरा का प्रमुख घाट है। वर्तमान में इस मंदिर का संचालन वल्लभाचार्य संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ब्रज के लगभग सभी मंदिरों में श्री कृष्ण जी के साथ राधा जी के दर्शन होते हैं, जबकि यहाँ श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी के दर्शन होते हैं। मंदिर की छत के ऊपर विशेष प्रकार की सुंदर नक्काशी कला और चित्रकारी का बेहतरीन नजारा दिखाई देता है। मथुरा का प्रसिद्ध मंदिर होने के कारण इस मंदिर में हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शनों को आते हैं, और प्रमुख त्योहारों जैसे होली जन्माष्टमी पर यहां और भी भीड़ बढ़ जाती है। यह मंदिर अपने झूले के त्योहार के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हर साल सावन के महीने के अंत में आयोजित किया जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, और ये आप देख सकते हैं, ये द्वारकाधीश मंदिर का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ श्रद्धालु जो है काफ़ी भारी मात्रा में आते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मंदिर है, ये कृष्ण जन्मभूमि के बाद में मथुरा का दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, और ढेरों श्रद्धालु यहाँ रोज़ दर्शनों के लिए आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, और अब मैं आपको जो मंदिर है, मंदिर की परिक्रमा मैं बताता हूँ क्या क्या प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मंदिर श्री शालिग्राम जी। तो यहाँ आपको शालिग्राम जी के दर्शन होते हैं इस तरह से, जय हो ठाकुर जी, जय हो द्वारका जी। ये आप देख सकते हैं पान घर, फूल घर, यहाँ सेवा के लिए जो फूल और पान तैयार हो रहे हैं। परिक्रमा मार्ग के अंदर जो ये सामने जो है वो भंडार घर है, रसोई भंडार, जिसमें भोग प्रसाद बनाया जाता है। ये यहाँ आप परिक्रमा में आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी मनोती मांगने के लिए यहाँ स्वास्तिक बनाए हुए हैं, गोबर से स्वास्तिक लोग बनाते हैं। कुछ सीधे स्वास्तिक हैं, कुछ उल्टे हैं। ये यहाँ जो चित्रण आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ की जो परंपरा है, ये कंस जो है, कंस का जो वध किया था, तो कंस को यहाँ, कंस का एक पुतला बनाया जाता है, इसको लाठियों से मारते हुए ले जाते हैं और हाथी पर बिठा के विश्राम घाट पर इस प्रोग्राम का समापन होता है। ये किस प्रकार की सेवा है अम्मा जी? ठाकुर जी के प्रसाद की सेवा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हो आप? ये सब्जी बना रहे हैं प्रसाद के लिए। प्रसाद के लिए? तो कहाँ से आए हो आप? यहीं से, मथुरा से। मथुरा से, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, जय हो। ये कुछ झांकियों का सामान ये आप देख सकते हैं, ठाकुर जी की झांकी निकलती है, उसका सामान है। मैं आपको बता दूँ कि इस मंदिर में खास प्रशासन की तरफ से भी पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जगह जगह पे यहाँ पुलिस भी लगी हुई है। तो प्रशासन की तरफ से देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरह का जो कलर है वो हो रहा है यहाँ पे। ये द्वारकाधीश मंदिर का जो कलर है पूरा इस तरह का है, बहुत ही खूबसूरत कलर हो रखा है यहाँ पर, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आपको देखिए दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस मंदिर के अंदर कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मंदिर परिसर को स्वच्छ रखें, मंदिर परिसर में भिखारियों को भीख देना दंडनीय अपराध है, और मंदिर परिसर में कोई बैग, अटैची या थैला लेकर, आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास में कोई सामान है तो उस सामान को आप बाहर ही रख के आ जाइए, क्योंकि इस मंदिर में जो आपका जो थैला वगैरह है, जो आपका जो बैग है,
वो अंदर नहीं लाने दिया जाएगा। और इसके अलावा इस मंदिर में आप पढ़ सकते हैं, ठाकुर जी के फ़ोटो खींचना मना है। और ये नीचे तक जो है वो 11 इसमें नियम बना रखे हैं। मंदिर का श्रृंगार का सामान है, ये कमल का फूल है, मोगरे की माला है, इसमें ये हार है आपका, गुलाब और गेंदे का हार मिलेगा आपको, ये तुलसी के पौधे हैं। अच्छा, तुलसी के पौधे का क्या करते हैं? तुलसी का पौधा ऊपर भी लगाते हैं ठाकुर जी के लिए, मंदिर घर पर भी ले जाते हैं उसको। अच्छा, राधा राम को तुलसी का श्रृंगार होता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मंदिर की समय सारणी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मंदिर आपको बंद मिलेगा। आपको बता दें कि यह मंदिर मथुरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आप ऑटो की सहायता से मात्र 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ब्रज यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।